नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परीक्षाएं अकेडमी पर। चलिए एक नए सफर पर चलते हैं, परीक्षाएं आपको ले चलेगा एक नई उड़ान की तरफ। आज का टॉपिक है भूकंप। भूकंप को समझेंगे अच्छे से। क्या है भूकंप? भूकंप होता क्या है? भूमि का कंपन, इसका शाब्दिक अर्थ होता है भूमि का कंपन। तो भूकंप समझते हैं पहले। पृथ्वी भूकंप आता क्यों है? ये हमारी पृथ्वी है, ठीक। कुछ प्रमुख कारणों के कारण भूकंप आता है, जैसे इसमें हो सकता है प्लेट का गति करना एक दूसरे की तरफ या तो विपरीत गति करे, जिसे हम कहते हैं प्लेट विवर्तनिक गति। फिर एक होता है कि इस पे ज्वालामुखी कहीं विस्फोट होता है, उसके आसपास क्षेत्रों में भूकंप आता है। और एक वलन और ध्वंसन क्रिया होती है, जिसे मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है, जिस कारण से भी भूकंप जैसी घटनाएं घटित होती है। तीन सब कारणों से ही भूकंप आता है। और एक पृथ्वी का परिभ्रमण, इसमें जैसे परिभ्रमण पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूमना क्या होता है, पृथ्वी का परिभ्रमण, इससे भी भूकंप का ये भी एक कारण बनता है। तो इसमें समझिए पृथ्वी पर भूकंप कैसे आता है। तो पृथ्वी पे जो हमारा यहाँ पे देखिए, पृथ्वी के धरातल से करीब मानते हैं कि 30 से लेकर 700 किलोमीटर गहराई तक इसका एक केंद्र होता है, भूकंप केंद्र जिसे कहते हैं, जहां से इसकी उत्पत्ति होती है। इसे हम कहेंगे भूकंप केंद्र या फोकस करते हैं, इसे फोकस या भूकंप केंद्र। केंद्र करते हैं ये, मतलब धरातल से गहराई में 30 से लगभग इसका केंद्र हो सकता है 30 से लगभग 700 किलोमीटर तक गहराई तक इसका जो फोकस होता है। फिर यही इसके भूकंप केंद्र से ही इसकी गति धरातल पर चलती है, सीधी गति जब धरातल पहुंची है तो जिस भाग पर पहुंचती है सबसे पहले, जहां पे अनुभव करते हैं भूकंप को, उसे कहते हैं अभिकेंद्र या इंग्लिश में एपिसेंटर कहते हैं। यहां से फोकस से भूकंप जब इसकी गति धारदार चलती है ऊपर, इसे हम कहेंगे अभिकेंद्र या इसे कहते हैं एपिसेंटर, ठीक। अब इस दो पॉइंट इसमें रहता है कि भूकंप केंद्र क्या है, अभिकेंद्र क्या है। तो ये अपनी पृथ्वी पे धरातल से लगभग 30 से 700 किलोमीटर गहराई में इसका केंद्र स्थापित होता है, और यहां से जहां पे पहली बार भूकंप का हम लोग अनुभव करते हैं उसे एपिसेंटर कहते हैं। तो भूकंप को हम एक छोटी मोटी परिभाषा समझेंगे। पृथ्वी की ऊपरी भूपटल पर कंपन, ठीक है, पृथ्वी की ऊपरी भूपटल पर कंपन, जिससे चट्टानों का लचीलापन गुरुत्वाकर्षण के समस्थिति में, मतलब क्षणिक परिवर्तन होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है मतलब पृथ्वी का, उसमें थोड़ी देर के लिए एक परिवर्तन आ जाता है, ये परिभाषा का फिर से रिवाइज करके लिखिए। पृथ्वी के ऊपरी भूपटल पर कंपन जो होता है, जिससे चट्टानों का लचीलापन और गुरुत्वाकर्षण के समस्थिति में क्षणिक अव्यवस्था या परिवर्तन जो होता है उसे भूकंप कहते हैं, ठीक। समझने के लिए आप नोट कर लेंगे और भूकंप के कारण भी नोट कर लेंगे, किस कारण भूकंप आते हैं हेडिंग में डाल के। इसमें आपका पहला कारण है ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोट के कारण भी भूकंप आते हैं, जैसे कि जहां पे ज्वालामुखी पर्वत होते हैं वहां पे जब विस्फोट होता है तो वहां के आसपास के क्षेत्रों को थोड़ा मतलब हलचल कंपन जैसा महसूस होता है, जिस कारण से वहां पे भूकंप जैसे कुछ पैमाने पे वहां पे भूकंप आ जाते हैं।
तो पहला कारण इसमें ज्वालामुखी, ज्वालामुखी विस्फोट, क्योंकि बड़े तेजी से ज्वालामुखी विस्फोट होता है, एकदम पूरा हिला देता है आसपास का क्षेत्र। और दूसरा आपका है वलन तथा भ्रंशन, वलन तथा भ्रंशन। वलन मतलब वही जब पर्वतों का निर्माण होता है, जैसे वलित पर्वत होते हैं जिनका मोड़दार पर्वत जैसे संरचना बनती है, उस कारण से पर्वतों का निर्माण होता है तो एक मोड़दार लहर जैसा बनता है। पृथ्वी के धरातल के नीचे जो प्लेटें होती हैं वो गति करती हैं, जिस कारण से वहां पे हलचल होता है। और भ्रंशन जैसे कभी कभी दूर जब भूकंप आता है तो क्या होता है, दरार पड़ जाती है, कहीं के मतलब धर जाता है, तो उस स्थिति में कभी मतलब गति क्या होती है, प्लेटों की दो गति होती है, अपसारी एक अपसारी, जिस कारण से अपसारी गति में प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं। दो प्लेटें हैं, जब इनकी गति एक दूसरे के विपरीत रहे तो इस गति में बीच में क्या होता है, भ्रंशन बनता है, जिसके हम भ्रंशन कहते हैं। और जब यही गति प्लेटों की क्या होगी, एक दूसरे की तरफ होगी, तो पर्वतों का निर्माण होता है, यही कारण बनता है भूकंप का, एक कारण ये है। और प्लेटों की गतिशीलता प्लेटों में विनाशकारी प्लेट होते हैं और एक रचनात्मक प्लेट होते हैं, तो जो भूकंप का ये कारण बनता है वो रचनात्मक प्लेट के कारण होता है। इसके कारण होता है रचनात्मक प्लेट, रचनात्मक प्लेटों के कारण। इसमें क्या, जैसे कि वही बताया ना कि एक दूसरे से विपरीत भागते हैं प्लेटें, धरातल के नीचे जो प्लेट हैं वो एक दूसरे के विपरीत भागते हैं, और जिसे अपसारी गति मतलब प्लेटों की अपसारी गति कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी गति। और एक और पॉइंट कारण है इसमें लिखेंगे हम, पृथ्वी का परिभ्रमण, परिभ्रमण। इसमें पृथ्वी अपने अक्ष पे जब घूमती है, जिस कारण से थोड़ा मतलब कि हलचल फील होता है, जब एकाएक उसके मतलब घूमने की गति तेज हो जाती है। और इसमें एक मानवीय कारण ये होता है कि कुछ मानव में जैसे विस्फोटक पदार्थ, जैसे हम परमाणु बम का प्रयोग करते हैं, उस समय भी भूकंप का अनुभव करते हैं थोड़ा बहुत, ये भी मानवीय कारण भी इसमें सम्मिलित कर सकते हैं आप। तो ये हम कुछ परिभाषा के साथ हम कारणों को समझ लिए हैं, अब इसके आगे हम समझें कुछ नोट पॉइंट महत्वपूर्ण होते हैं, नोट पॉइंट करते हुए उसको समझेंगे। ठीक, कुछ महत्वपूर्ण नोट पॉइंट है उसको हम लिखते चलेंगे, समझते चलेंगे। तो नोट पॉइंट डाल देंगे हेडिंग, नोट पॉइंट हम पहला नोट करेंगे, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें भूकंपीय तरंगों का, भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करते हैं, तरंगों का अध्ययन करते हैं। उसे सिस्मोलॉजी, भूकंप विज्ञान या सिस्मोलॉजी कहते हैं। भूकंपी तरंगों का अध्ययन जिस साइंस मतलब विज्ञान के अंतर्गत करते हैं उसे सिस्मोलॉजी कहते हैं। ठीक, ये पॉइंट। और भूकंपी तरंगों का अध्ययन मतलब जिस मतलब यंत्र से करते हैं उसको भी नोट कर लेंगे। Thank you.
जिस यंत्र से करते हैं, यंत्र से करते हैं, यंत्र पर करते हैं, लिख सकते हैं यंत्र पर करते हैं, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे सिस्मोग्राफ। क्या कहेंगे? सिस्मोग्राफ। लिख लेंगे यहां पे सिस्मोग्राफ। ये मतलब यंत्र ऐसा है जिसपे ग्राफ जैसा रहता है, उस पर भूकंप आता है तो उस पर इंडिकेट हो जाता है, ऐसे ऐसे ग्राफ जैसा रचना बन जाती है। ठीक, तो नोट पॉइंट है, एग्जाम पूछता है, ऐसे नोट करते चलेंगे अपनी कॉपी में। एक पॉइंट और लिखिए यहां पे नोट में, भूकंप जब आता है तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस रेडॉन उत्सर्जित होता है भूकंप आने से पूर्व। भूकंप आने से पूर्व वायुमंडल में, वायुमंडल में पूछता है एग्जाम में किस गैस की मात्रा में वृद्धि होती है, तो रेडॉन गैस की मात्रा में। रेडॉन गैस वृद्धि होती है। ठीक, एक पॉइंट है, भूकंप आने से पूर्व वायुमंडल में रेडॉन गैस की वृद्धि होती है। अगला नोट पॉइंट हमारा रहेगा, जिस स्थान से भूकंपीय तरंगे निकलती हैं, उसे भूकंप केंद्र या फोकस करते हैं इंग्लिश में। भूकंप केंद्र या मूल या फोकस, कितनी चीजें उसको कह सकते हैं जिस स्थान से भूकंपी तरंगे निकलती हैं। ऐसे में अगला नोट पॉइंट ये भी कर लेंगे कि जहां पे सबसे पहले भूकंप का अनुभव करते हैं, जिस स्थान पर सर्वप्रथम अनुभव करते हैं, भूकंप का अनुभव करते हैं, उसे कहेंगे एपिसेंटर या अधिकेंद्र। अधिकेंद्र या एपिसेंटर एग्जाम में पूछता है। ठीक, नोट पॉइंट करो, को नोट पॉइंट करते चले। अब इसी में हम कुछ और भी जैसे कि सिस्मोग्राफ समझ लिए, लेकिन इसमें होता है कि भूकंप की तीव्रता का मापन, तभी पूछता है कि तीव्रता का मापन कैसे मतलब इस पे इस यंत्र से करते हैं, तो उसे हम कहते हैं रिएक्टर स्केल। क्या कहेंगे? रिएक्टर स्केल। तो ये दो पॉइंट इसको लिखेंगे, भूकंप की तीव्रता का मापन। भूकंप की तीव्रता का मापन वहां पे करते हैं, उसे हम रिएक्टर स्केल करते हैं। इसको रिवाइज करेंगे, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भूकंपी तरंगों का अध्ययन करते हैं उसको सिस्मोलॉजी करते हैं, और भूकंपी तरंगों का अध्ययन जिस यंत्र पर करते हैं उसे सिस्मोग्राफ करते हैं, और भूकंप आने से पूर्व वायुमंडल किसकी गैस की मात्रा में वृद्धि होती है, रेडॉन गैस की मात्रा में वृद्धि होती है, और जिस स्थान पर भूकंप तरंगें निकलती है उसे फोकस या भूकंप केंद्र या मूल कहते हैं, और जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव करते हैं उसे अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहते हैं, और जो तीव्रता का मापन है वो रिएक्टर स्केल है। एक मात्रा और है मार्केली,
यहाँ पर लिखेंगे मार्केली, मार्केली, मार्केली या मार्केली स्केल होता है, इससे भी तीव्रता का मापन करते हैं। ठीक, दो पैमाने होते हैं। चलिए फिर आगे आप समझेंगे भूकंपी तरंगे कुछ प्रमुख है उनको समझ लेते हैं। चलिए अब देखते हैं भूकंपी तरंगे जो होती हैं कितने प्रकार की होती हैं, कैसे चलती हैं, इनको देखते हैं। तो डायग्राम समझने के लिए, डायग्राम क्या है, पृथ्वी, पृथ्वी का आंतरिक संरचना टॉपिक जो पढ़ाए थे उसमें बताए थे, बीच में क्या है, कोर है। ठीक, एक इनर कोर होता है, एक बाहर कोर होता है, उसका मीटर होता है, फिर क्रस्ट होता है। ठीक, इसमें हम अध्ययन करेंगे कि इसमें भूकंप में जैसे इनकी जो होती हैं तरंगे वो कैसे चलती हैं पृथ्वी पे। तो पहले इंपोर्टेंट में देख लीजिए तरंगे कितने प्रकार की होती हैं। तरंगे, ठीक, भूकंपी तरंगे तीन प्रकार की होती हैं, एक होता है पी और एस और एक एल, इनके नाम है डिसाइड कर लेते हैं। पी तरंग, इसे हम प्राइमरी वेव इंग्लिश में कहते हैं, प्राथमिक तरंग, क्या है प्राथमिक तरंग है। और एक है यस तरंग, इसे सेकेंडरी वेव कहते हैं या द्वितीयक तरंग। और लास्ट जो होता है यर, यल तरंग, इसे लॉन्ग पीरियड वेव भी कहते हैं इंग्लिश में, क्योंकि सबसे अंतिम में धरातल पे आती हैं। ठीक, इसे हिंदी में कहेंगे धरातली तरंग, धरातलीय तरंग, और इंग्लिश में लॉन्ग पीरियड तरंग कहते हैं। अरे इसकी जो खोज किए थे वो एक लव नाम के खोज करता थे, उनके नाम में भी इसको लव तरंग भी कहते हैं। तीन तरंग चलती हैं पृथ्वी पर, इसको पहले इस पे समझ लीजिए डायग्राम पे, फिर उधर नोट कर लेंगे अच्छे से। ये बताया कि हम यहाँ पे फोकस है भूकंप का, ये फोकस से जब निकलती हैं तरंगे तो पहले कहाँ जाएंगे, ईपी सेंटर, एक सीधी मतलब पहले ईपी सेंटर पहुंच के फिर वहां से ये लोग बढ़ जाती हैं पूरी पी एस और एल में। तो इसमें पी और एस देखिए समानांतर चलती है एक दूसरे के, यहां से पी तरंग क्या होती है, चलती है ऐसे, ईपी सेंटर से चलेंगे, ठीक है, यात्री सब पी तरंग है। और इसी के समानांतर आपकी यस तरंग चलेंगी, एकदम समानांतर चलती है एक दूसरे के,
ये आपकी यश तरंगे हैं, धरातल पर इनके चलने की दिशा देखिए। इसमें देखिए ये लाल कलर से ये पी तरंग है, क्या है पी है, और हरे वाले यस। ठीक, इसमें पी और यस ये तरंगे क्या है, चल रही है ऐसे समानांतर, ये मतलब यहां से चलने के बाद ये अपने दिशा में से बदलती जाती है। क्यों? क्योंकि धरातल में जाती है, धरातल में जाती है अंदर धरातल के, तो क्या है कि कठोरपन जो हार्डनेस होती है धरातल मतलब पृथ्वी के नीचे वाले, इस कारण से अपनी दिशा में ये परिवर्तित होती रहती है। और जैसे जैसे ये सीधी रेखा में, जब पी तरंगे जब सीधी रेखा में आती है तो यहाँ पे जैसे क्या होता है, ये आपका ये ठोस है, कोर जो होता है इनर कोर ये ठोस होता है, और ये बाह्य कोर होता है ये तरल अवस्था में रहता है। तो तरल में आपकी पी किरणें जो पी तरंगे होती है चलती है, लेकिन यश तरंगे नहीं चलती, यश तरंगे बस इतने जगह पे सीमित हो जाती है, लेकिन पी तरंगे इसमें तरल में चलती है फिर इधर ठोस में भी चलती है। लेकिन यहाँ पे क्या होती है, गति में कुछ टेढ़ा मेढ़ा जैसे ऐसे 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 करके आएंगे, जो यहाँ से पी तरंगे निकलती हैं ये ऐसे ऐसे करके चलती है सीधे। ठीक, यस तरंगे यहाँ पे नहीं आएंगे नीचे, इस क्षेत्र में नीचे यस तरंगे नहीं आएंगे, बस पी तरंगे यहाँ पे आती हैं। और यस तरंगे खासियत ये है कि ये द्रव में नहीं चलती, पी तरंगे ठोस द्रव गैस तीनों स्थान चल सकती है। तो यहाँ पे भी नोट करेंगे, पहले इसमें समझिए इनकी दिशा कैसे है। तो लगभग जो ये यस और पी की कोण दूरी होती है यहाँ से ईपी सेंटर से ये 105 डिग्री, और यहाँ पे जो बनेगा यहाँ पे सीधा सीधा 145 डिग्री, 145 डिग्री तक दोनों तरफ 105 से 145 डिग्री। ठीक, इनका ये क्षेत्र बनता है यहाँ पे कोई तरंग नहीं रहेगी, जिसे हम भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं। क्या कहेंगे? भूकंपीय छाया क्षेत्र कहेंगे, इस क्षेत्र को हम लोग भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं। ये जो भाग देख रहे हैं यहाँ बना है ना, भूकंपीय छाया क्षेत्र होती है, इसमें पी तरंगे या एस तरंगे समांतर यहाँ तक चलती हैं 105 डिग्री तक। उसके बाद से पी तरंगे क्या होती है, तरल जो इनर कोर है तरल अवस्था में होते हुए पृथ्वी के कोर से होते हुए इस पार आ जाती है, लेकिन यस तरंगे इधर नहीं आ पाती है। ठीक, अब धरातल यस तरंगों की बात करते हैं तो ये बस धरातल पर चलते हैं, धरातल मतलब ये ऊपर चलेंगे यहाँ से पूरे यहाँ धरातल पर चलेंगे ऊपर, ये धरातल नीचे नहीं चलती है, ये आपकी यल तरंग है। ये डायग्राम से हम लोग समझ चुके हैं, इनके बीच में जो छाया क्षेत्र बनता है 145 डिग्री बीच बनेगा, और बस पी तरंगे ही होती हैं जो कोर से होते हुए गुजरती हैं, बाकी यस तरंगे तो यहीं तक सीमित हैं आपकी 105 डिग्री तक, और यस तरंगे आपके धरातल पे चलती हैं। तो इसमें कुछ नोट पॉइंट होते हैं, इसको कर लेंगे। पी तरंगों में करेंगे, इनकी औसत गति कितनी होती है, औसत गति की बात करेंगे हम, औसत गति होती है 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, इनकी चलनी गति होती है पी तरंगों की 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड गति से चलती है, सबसे तेज गति से यही तरंगे चलती है। पूछे एग्जाम में सबसे तेज गति से कौन सी तरंगे चलती हैं, तो पी तरंगे चलती हैं। और यस तरंग की औसत गति क्या है, इनकी होती है 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यस तरंगों की गति क्या है 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड यस तरंगों की, और यह तरंगों की औसत गति क्या है, इनकी औसत गति होती है 1.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 1.5 किमी पर हावर, अरे पर सेकेंड। ठीक, इनकी औसत गति सबकी अलग अलग है, सबसे तेज गति से चलने वाली तरंगें कौन सी है, पी, उससे कम गति से धीरे चलती है आपकी यस, और सबसे कम गति से चलती है यस तरंगे। अब इस चलती कैसे है देखिए, यहाँ पे नोट करते चलेंगे हम लोग पॉइंट, जो पी तरंगे होती है तीनों अवस्थाओं में चल सकती है, ठोस द्रव और गैस,
तीनों अवस्थाओं में चलती है। ठीक, इसका पॉइंट और लिखेंगे कि सबसे कम क्षति पहुंचाते हैं, सबसे कम क्षति, सबसे कम क्षति, सबसे मतलब चलती तो तेज है कि सबसे कम क्षति पहुंचाते हैं कि मतलब धरातल पे। क्यों? क्योंकि इनकी स्पीड इतनी तेज होती है कि गुजर जाते हैं जल्दी से और कोई नुकसान नहीं होता ज्यादा। और एक पॉइंट इसका यह है कि ये तरंगे जो चलती है अनुद्रेग्य में चलती है। कैसे चलती है? अनुद्रेग्य, जैसे ध्वनि की तरंगे होती है अनुद्रेग्य में वैसे चलती है। यहां लिखेंगे अनुद्रेग्य तरंगे हैं। अनुद्रेग्य तरंगे होती हैं, ये मतलब कंपन करते हुए चलती हैं। ठीक, और इनकी क्षति सबसे कम होती है, तीनों अवस्थाओं में चलती हैं। अब बात करते हैं यश तरंग की औसत गति 4 किलोमीटर प्रति सेकंड है। ये बस केवल ठोस में चलती है। कहां चलेगी? ठोस में, केवल ठोस, जो भाग ठोस रहेगा पृथ्वी का वहीं चलेगी ठोस में। और इसकी जो क्षति करने वाली मतलब क्वालिटी है वो इससे जो सबसे कम क्षति उससे थोड़ा सा ज्यादा करेगी। ये देख सकते हैं कि कम क्षति ये भी करेगी, कम क्षति। लेकिन इसकी गति क्या होती है? अनुप्रस्थ। जो चलती है तरंगे इनकी गति जो चलती है अनुप्रस्थ है। अनुप्रस्थ तरंग होती है ये, व्यास तरंग। ठीक, अब बात करते हैं यह तरंग की, यह तरंग की बात करते हैं। इसकी औसत गति 1.5 किमी प्रति सेकंड है। और ये चलती कहाँ है? ये धरातल पे चलती है। ये पृथ्वी के धरातल बताए हैं यहाँ चलती है। धरातल पर चलती है। ठीक, और विनाशकारी, सबसे विनाशकारी अगर कोई पूछे कौन सी तरंग है, तो यह तरंग, क्योंकि ये धरातल पर चलती है और बहुत स्लो इसकी गति होती है, धीरे गति से चलते से ये अपना तबाही मचाती हुई चलती है, तो सबसे विनाशकारी है। ये विनाशकारी तरंग है। ठीक, ये भी अनुप्रस्थ की तरंग होती है। ये भी किस टाइप की है? इसकी प्रकृति अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ तरंग है। इसको समझ लीजिए पी एस एल तीनों तरंगों को। पी तरंगी क्या होती है? तीनों अवस्थाओं में चलती हैं, ठोस द्रव गैस तीनों में चलेगी। ठीक, और इंग्लिश में से क्या कहेंगे? इसे प्राइमरी वेव कहते हैं, प्राथमिक तरंग। और सबसे कम क्षति पहुंचाएगी और उसकी जो तरंग है वो अनुद्रेक तरंग चलती है। ठीक, और इसकी देखिए यश तरंगी, क्योंकि यह जिसे तरंग कहते हैं, इसका केवल ठोस ठोस भाग में चलती है और ये उससे मतलब इससे कम क्षति पहुंचाएगी, उससे मतलब थोड़ा अधिक क्षति मतलब कम क्षति रहता है इसका भी। और ये तरंग जैसे होती है अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। ठीक, औसत गति इसकी देखिए किसकी? लास्ट जो मतलब लॉन्ग पीरियड चलती है मतलब लंबे समय तक चलती है धरातल पे, उसकी औसत गति 1.5 किमी प्रति सेकंड है। और ये सबसे विनाशकारी तरंग होती है। ये मतलब धरातल पे चलती है तो थोड़ा मतलब नुकसान ज्यादा करती है। और ये भी क्वालिटी से अनुप्रस्थ तरंग ही है। तो अब हम बात करेंगे पूरे मतलब विश्व में कहाँ कहाँ भूकंपी जोन टाइप से मतलब क्षेत्र बटा है उसको समझ लेंगे, हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। चलिए उसको समझ लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं कुछ प्रमुख जो क्षेत्र हैं भूकंप के उसको समझेंगे मैप पे। तो लिखेंगे यानी तीन प्रमुख हैं, तीन प्रमुख क्षेत्र। तीन प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो यहाँ मैप में आप देखिए प्रशांत महासागर की पेटी पहला क्षेत्र जहां पर सर्वाधिक भूकंप आते हैं, लगभग 63%। यहाँ लिखे नोट करेंगे प्रशांत महासागर। ये देखिए मैप थोड़ा समझ लीजिए, ये इतना भाग समझ लीजिए, ये आपका देखिए थोड़ा वो बनाए हैं, दो तरफ आपको उत्तरी अमेरिका दिख रहा होगा, इसको हम जैसे कि दो तरफ बना लें क्योंकि समझने में आसानी रहेगी। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ये आपका एशिया, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये समझिए इतना। ठीक,
उसको एक बार फिर बना रहे क्योंकि हमको महासागर को भी डिफाइन करना था, इसलिए हमने दो बार बना दिया है। इसको समझिए, तो प्रशांत महासागर आपका कहां किसके बीच पे है? प्रशांत महासागर देखिए आपका ये आपका क्या है, एशिया महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया, इनके बीच में जो है गोले आकार में, ये गोले आकार पूरा इतना है, तो ये आपका क्या है, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर ये भूकंप आने का सबसे ज्यादा क्षेत्र यही है, प्रशांत महासागर। इस क्षेत्र में सर्वाधिक भूकंप आते हैं, इसमें जो प्रमुख क्षेत्र उसको लिखते हैं चलेंगे हम। यहाँ पे जापान सर्वाधिक भूकंप आता है, कहाँ, जापान, जापान में, और फिलीपींस, फिर न्यूजीलैंड, आपका यहाँ पर अलास्का है, अलास्का, कैलिफोर्निया, ये सब क्षेत्र जहां सर्वाधिक भूकंप आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे चिली, दक्षिण अमेरिका में, ये सब चीजें। ये प्रशांत महासागर पेटी में सर्वाधिक लगभग कितना, 63% है, 63% भूकंप आते हैं इस क्षेत्र में। स्थान देखिए, जापान, अलास्का, कैलिफोर्निया है, चिली है, न्यूजीलैंड है, और आपका ये फिलीपींस है, ऑस्ट्रेलिया में भी थोड़ा बहुत आता है। अब हम बात करते हैं दूसरा स्थान, पहला तो हो गया, यहाँ पे है महाद्वीपीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी, यहाँ पे कहाँ पे, मध्य महाद्वीपीय, महाद्वीप इतना बड़ा है, यहाँ बीच में जो महाद्वीप भाग है, इस भाग पे भूकंप आता है, जैसे हिमालय, हिमालय यहाँ पे है, हिमालय, हिमालय क्षेत्र में काकेशस पर्वत, फिर अल्पस, अल्पस, ये मतलब जो पर्वत चोटियां हैं, पर्वत श्रेणियां हैं, यहाँ पे आते हैं जो हिमालय जो भूकंप आते हैं, लगभग 21% इस क्षेत्र में आते हैं, 21% भूकंप यहाँ पे आते हैं, ये मतलब पर्वतों के किनारे, जैसे कि आल्पस हो गया, काकेशस हो गया, हिमालय हो गया, ये सब। अब हम तीसरा जो क्षेत्र है उसको देख लेते हैं, तीन प्रमुख क्षेत्र है, प्रशांत महासागर, मध्य महाद्वीपीय पेटी है, और एक अटलांटिक, मध्य अटलांटिक भाग पे भी भूकंप आते हैं, ठीक है, इसको समझिए। अटलांटिक महासागर कहाँ है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, और यहाँ पे यूरोप, और ये अफ्रीका महाद्वीप के बीच में, यह सरकार का आपका अटलांटिक महासागर है, यहाँ मध्य अटलांटिक पेटी, इसका भी क्षेत्र यही है, यहाँ करीब आइसलैंड से लेके पूरा इस क्षेत्र में भूकंप आते हैं, लगभग 16%, इसका परसेंट भाग कितना है, 16% भूकंप यहाँ आते हैं, 16%। हम लोग देखें भूमध्य, जो बीच की रेखा है विषुवत, जीरो डिग्री, वो आपके यहीं से गुजरी है, इसके आसपास के क्षेत्रों में जितने द्वीप होते हैं यहाँ पे, वहां पे भूकंप आते रहते हैं, मतलब जीरो डिग्री मतलब भूमध्य रेखा के आसपास स्थित, मध्य अटलांटिक पेटी पे, यहाँ पे आसपास स्थित जितने भी द्वीप हैं वहां पे भूकंप आते हैं। तो ये तीन प्रमुख क्षेत्र हैं भूकंप आने के, जहाँ पे प्रशांत महासागर सबसे ज्यादा भूकंप आता है, 63%, मध्य महाद्वीपीय पेटी है, उसके बाद मध्य अटलांटिक पेटी है, ठीक, यहाँ पे नोट कर लें, भूमध्य रेखा के आसपास। तो इस क्षेत्र में हम डिवाइड करके मैप पे अच्छे से समझ लिए हैं भूकंप कहाँ कहाँ क्षेत्र है, और हम अब आज भूकंप का टॉपिक यही समाप्त करते हैं, कुछ नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।